अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां एसएसपी अमित सांघी को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ मादक पदार्थ तस्कर एक ट्रक में झांसी की तरफ से गांजा लेकर आ रहे हैं। सूचना के बाद एसपी ने एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया एक्शन के निर्देश दिए। निर्देश मिलने के बाद एडिशनल एसपी दंडोतिया ने एडिशनल एसपी देहात जयराज कुबेर से समन्वय स्थापित कर क्राइम ब्रांच व बिलौआ थाने की पुलिस की संयुक्त टीम को गांजा तस्कर को पकड़ने के लिए भेजा। क्राइम ब्रांच व थाना बिलौआ पुलिस की संयुक्त टीम को जौरासी घाटी पुलिस चौकी पर भेजा गया। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को डबरा की तरफ से एक क्षतिग्रस्त ट्रक क्रमांक RG11GA6031 आता दिखा, जिसे पुलिस टीम ने चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया तो ट्रक चालक व दो अन्य व्यक्ति कूदकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ करने पर ट्रक चालक ने अपना नाम मुनेश सिकरवार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम ऐलात थाना सैया आगरा उत्तर प्रदेश तथा दो अन्य तस्कर 22 वर्षीय लवकुश शर्मा पुत्र विजेन शर्मा निवासी ग्राम भवारी जिला धौलपुर राजस्थान, 32 वर्षीय जितेन पुत्र रमेश सिंह जादौन निवासी सिरोना धौलपुर राजस्थान के रहने वाला बताया जा रहे हैं। ट्रक की तलाशी लेने पर ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट के नीचे एक प्लास्टिक की बोरी रखी मिली, जिसे चेक करने पर उसमें गांजा भरा हुआ मिला। गांजे की तौल कराने पर 20 किलो 300 ग्राम का था, जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपए आंकी गई है। थाना बिलौआ पुलिस ने गांजा व ट्रक को जब्त कर गांजा तस्करों के विरुद्ध नारकोटिक्स अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से गांजे के संबंध में पूछताछ कर रही है।